हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और डब्लू का फ्रेंड्स, ये आप लोग का 36 वीडियो है। यहाँ पर सबसे ऊपर जो पहला वर्ड है फ्रेंड्स, वो है आप लोग का वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब होता है फ्रेंड्स जलप्रपात, या आप लोग झरना भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमल का आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर झरना, ठीक है। और केवल FALL, फॉल का मतलब क्या होता है, तो केवल फॉल का मतलब होता है फ्रेंड्स गिरना। ओके, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए दूसरा वर्ड फ्रेंड्स वाटर फरो। वाटर फरो का मतलब होता है खुली नाली। ओके, WATER FUR ROW। तीसरा वर्ड फ्रेंड्स वाटर गेज। वाटर गेज तो आप लोग को पता ही है, वाटर गेज मीन्स होता है फ्रेंड्स इंजन में पानी की गहराई नापने का यंत्र, ठीक है, उसको बोलते हैं वाटर गेज। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा GAUGE, केवल गेज का मतलब होता है माप या मोटाई, ठीक है। और इसी वर्ड में आगे वाटर जोड़ा गया है, तो इसका अर्थ ये होगा जो कि इंजन में पानी की गहराई नापने का यंत्र। यहाँ पर देखिए चौथा वर्ड फ्रेंड्स वाटरीनेस। वाटरीनेस मतलब होता है फ्रेंड्स जलपूर्ण होने की स्थिति। ओके, और वाटरिंग का मतलब होता है पानी देने या पहुँचाने की क्रिया को वाटरिंग कहते हैं, WATER INGE। देखिए वाटरिंग प्लेस का मतलब होता है जल प्राप्त करने का स्थान। ओके, और केवल प्लेस तो आप लोग जानते ही हैं, प्लेस का मतलब होता है स्थान, PLACE। और इसी वर्ड में वाटरिंग जोड़ देंगे तो जल प्राप्त करने का स्थान इसका मतलब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट वर्ड फ्रेंड जो कि वाटरिस। वाटरिस के मतलब होता है जल के समान तरल, ठीक है, या स्वाद रहित। ध्यान रखिएगा स्वाद रहित भी होता है। और यहाँ पर आप लोग कामा लगा लिख सकते हैं जल के समान तरल, ठीक है, WATER ISH। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को पूरा याद हो जाए। वाटरफॉल मतलब जलप्रपात या झरना, वाटर फरो मतलब कि खुली नाली, वाटर गेज इंजन में पानी की गहराई नापने का यंत्र, वाटरीनेस होता है फ्रेंड्स जलपूर्ण होने की स्थिति, वाटरिंग का मतलब होता है पानी देने की क्रिया या पहुंचाने की क्रिया, वाटरिंग प्लेस का मतलब होता है जल प्राप्त करने का स्थान, वाटरी का मतलब होता है जल के समान तरल या स्वाद रहित, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं आप लोगों से W का 37 वीडियो में। नमस्कार।